सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हालिया बयान पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के एक काफिले पर हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला भाजपा द्वारा चुनाव से पहले किया गया एक स्टंट था। आखिर क्या है इनके इस इल्जाम की वजह, आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के एक काफिले पर हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला भाजपा द्वारा चुनाव से पहले किया गया एक स्टंट था। चन्नी ने यह बयान अमृतसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, पुंछ में जो हुआ वह एक चुनावी स्टंट था, भाजपा चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही है। चन्नी के इस बयान की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि चन्नी का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। भाटिया ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हमारे बहादुर जवानों का अपमान करना बेहद शर्मनाक है। चन्नी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। चन्नी के बयान पर कांग्रेस ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जून 2023 को जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 5 वायु सैनिक शहीद हो गए थे। और हाल ही में फिर से ऐसे घटना सामने आई है, तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान कई कारणों से आलोचना का पात्र है। सबसे पहले, यह एक ऐसे समय पर आया है जब देश आतंकवाद से जूझ रहा है, ऐसे में आतंकवाद को चुनावी स्टंट बताना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। दूसरा, चन्नी का बयान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हमारे बहादुर जवानों का अपमान है, 5 वायु सैनिकों की शहादत पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है। तीसरा, चन्नी का बयान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह बयान आतंकवादियों को यह संदेश देगा कि भारत में आतंकवाद को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं है, इससे आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा और वे और हमले करने के लिए प्रोत्साहित हों। चन्नी के बयान की कांग्रेस ने भी निंदा की है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस भी आतंकवाद को लेकर स्पष्ट नहीं, इससे देश की सुरक्षा को खतरा होगा। वहीं चन्नी का बयान भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, यह बयान यह संदेश देगा कि भारत आतंकवाद से निपटने में गंभीर नहीं, इससे भारत के लिए अन्य देशों में समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ घटनाएं अतीत से ऐसी हुई हैं जिनके आधार पर चन्नी के बयान को समर्थन मिल सकता है, जैसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस बैठक के कुछ दिनों बाद पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। वहीं एक और विवादित सौदे के समय भी ऐसी ही घटना सवालिया घेरे में है, जब 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक सौदा किया था। इस सौदे के कुछ दिनों बाद पुरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकवादियों ने हमला किया था, इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे ही 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में एक CRPF काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इन घटनाओं का सीधा फायदा भाजपा सरकार को मिला था, जहां भाजपा के कई नेताओं ने, जिनमें मोदी भी शामिल है, उन्होंने इन हमलों का सहारा लेकर चुनावों में मतदाताओं से वोट मांगे थे। बाकी ये घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में करता है। भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है।
आपको बता दें कि चन्नी ने दावा किया है कि पुंछ में हालिया आतंकवादी हमला भाजपा द्वारा चुनाव से पहले किया गया एक स्टंट था। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं। वास्तव में सबूत बताते हैं कि हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा किया गया था। चन्नी का यह दावा भी भाजपा चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही निराधार है और इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं। वास्तव में भाजपा ने हमेशा आतंकवाद की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार का समर्थन किया। तो इस तरह हमने जाना कि कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के एक काफिले पर हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला भाजपा द्वारा चुनाव से पहले किया गया एक स्टंट था। चन्नी के इस बयान की भाजपा ने निंदा की है। कांग्रेस ने चन्नी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चन्नी का बयान कई कारणों से आलोचना का पात्र है, जिनमें शामिल है यह गैर जिम्मेदाराना है, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हमारे बहादुर जवानों का अपमान है और यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। बाकी इन सब का लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।